Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. तो आज की वीडियो में हम लोग सनस्क्रीन्स पे डिटेल में बात करने वाले हैं. मुझे बहुत सारे DMs आ रहे थे कि हमें सनस्क्रीन रिकमेंड भी कर दें और बता भी दें कि क्यों ज़रूरी है और कौन कौन सी एज वाली गर्ल्स इसको यूज़ कर सकती हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सनस्क्रीन जो है वो ज़रूरी क्यों है. हम सब गर्ल्स जो हैं वो स्किन केयर करती हैं और सब कोई ना कोई प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करती हैं, तो जिनकी वजह से हमारी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, स्पेशली सन सेंसिटिव हो जाती है. हमारी स्किन सेंसिटिव होने की वजह से फिर डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्क स्पॉट्स और पैचेस वगैरह बन जाते हैं. सनस्क्रीन जो है वो हमें प्रिवेंशन देता है, ठीक है, हम लोग प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं सनस्क्रीन्स को, इसलिए हम लोग सनस्क्रीन जो है वो लगाते हैं और इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप लोग नहीं लगाओगे तो बहुत से स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों को, और सबसे बड़ा इशू जो है वो स्किन कैंसर भी हो सकता है. सनस्क्रीन का तो पता लग गया, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम लोग अप्लाई किस तरह कर सकते हैं. आप लोग मॉर्निंग में जब भी अपना मेकअप करो या कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए जा रहे हो तो फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आप लोग ये लाजमी अप्लाई करो. सनस्क्रीन को आप लोग मॉर्निंग में लगा सकते हो, जब भी आप लोग स्कूल कॉलेज या कहीं भी जा रहे हो तो ये मस्ट है. आप लोग के जो फेस वॉश करते हो उसके बाद इसको लगा लो और उसके बाद आप लोग अपना मेकअप वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो. मेरे सामने जितनी भी सनस्क्रीन पड़ी है मैं अब इन सब के बारे में आप लोगों को रिव्यूज दूंगी और इनके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी और आप लोग जो है इनको परचेज कर सकते हो, और जो बेस्ट है मेरे लिए मेरी स्किन के लिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सबसे पहले मेरे पास ये बॉन्जोर की सनस्क्रीन है, ठीक है. कोई भी सनस्क्रीन अगर आप लोग परचेज कर रहे हो तो सबसे पहले ये तीन चीज़ें आप लोग लाजमी देख लो कि नॉन ग्रीजी फिनिश होनी चाहिए और फॉर्मुलेशन इसकी कैसी है वो चेक कर लो, और वाइट कास्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी सनस्क्रीन में. तो ये आप लोग तीन चीज़ें ज़रूर देख लो किसी भी सनस्क्रीन को परचेज करने से पहले. सबसे पहले है मेरे पास ये बॉन्जोर की सन क्रीम. ये मैंने 1000 रुपीज़ में परचेज की थी और इसके साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा बुरा रहा है क्योंकि इसकी इरिटेटिंग स्मेल है बहुत ज़्यादा. इसका फार्मूला जो है वो भी बहुत अजीब क्रीमी सा है जो कि फेस पे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, ग्रीसी लगता है. तो मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी और आप लोग के पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे अगर आप लोग इसको परचेज करोगे, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ मुझे और किसी को भी नहीं होगा आई गेस. तो ये बहुत फजूल थी. नेक्स्ट जो है ये मेरे पास रिवाज यूके का सनब्लॉक है, वाइटनिंग एंड वैनिशिंग, ठीक है, और 50 ml की ये बॉटल है. और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं था क्योंकि इसके अंदर भी वाइट कास्टिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत ग्रीजी है, हैवी लगता है फेस पर जब आप इसको अप्लाई करते हो, सही से एब्जॉर्ब भी नहीं होता. इसकी जो प्राइस थी वो 350 तक थी आई गेस, और टेक्स्चर जो है इसका काफ़ी थिक है, और स्मेल की बात करें तो माइल्ड इसकी स्मेल है और ये बिल्कुल भी मॉइस्चराइजिंग नहीं है, आपके फेस पर एब्जॉर्ब नहीं होता आपकी स्किन में और ऊपर ही ये नज़र आ रहा होता है, साफ पता चल रहा होता है कि आपने कोई सनब्लॉक वगैरह अप्लाई किया हुआ है. इसके अलावा वाटर रेजिस्टेंट ये क्लेम कर रहा है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो बिल्कुल भी वाटर रेजिस्टेंट नहीं है और टैनिंग से ये बचाता है. इसकी ये बस एक ही बात है कि ये टैनिंग से आपको बचाता है, नॉट फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है. ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी ऑयली और कॉम्बिनेशन वालों को. जिनकी ड्राई स्किन है वो इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसका फार्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो ड्राई वालों के लिए ये बेस्ट रहेगा. नेक्स्ट जो है वो मेरे पास डर्मा स्किन का सनब्लॉक है, इसके अंदर SPF 60 है. ये ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है बट ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा लाइट वाइट इफेक्ट है, इसको अप्लाई करने के बाद आपका जो फेस है वो इतना ज़्यादा वाइट नहीं लगता, ठीक है. और मॉइस्चराइज़र भी इसके अंदर ऐड है अगर इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह में आप लोग देखो तो, और टेक्सचर इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है. प्राइस जो थी वो इसकी 410 थी, तो ड्राई स्किन वाले जो हैं वो इसको परचेज़ कर सकते हैं, ये अच्छा है उनके लिए, ठीक है, नॉट फॉर ऑयली स्किन. तो ये है B&B का संडे सनस्क्रीन और ये मैंने 1000 में परचेज किया था इनके इंस्टाग्राम पेज से. इनके और भी बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरे पास हैं, उनका रिव्यू भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है. हम यहाँ पे पढ़ें तो लिखा हुआ है ये लाइट वेट है, मिल्की मिनरल सनस्क्रीन, SPF 50+ और UVB प्रोटेक्शन और ब्रॉड स्पेक्ट्रम. तो मैंने इसका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो किया हुआ है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ. सनस्क्रीन जो है इसका फार्मूला बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके स्किन पे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है और आपके जो पोर्स हैं उसको क्लॉग नहीं होने देती, तो ये भी अच्छी है बट मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती. ये मैं रिकमेंड करूँगी सब गर्ल्स को, ये बुरी नहीं है बट इनकी एक और सनस्क्रीन है जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, तो मैं उसके बारे में भी आप लोग के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ. तो आप लोग चाहो तो आप लोग की चॉइस होगी, आप दोनों में से जो भी लेना चाहो आप लोग ले सकते हो.
नेक्स्ट है मेरे पास ये लूनर सनस्क्रीन, ठीक है, ये भी BNB की है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी या यूवीबी प्रोटेक्शन, SPF 50+, जेल बेस्ड सनस्क्रीन। इसकी प्राइस की बात करें तो ये भी 1000 रुपीज में आती है और ये मैंने बहुत यूज की है। अगर आप 1% इसको यूज कर रहे हो तो ये काफी मंथ तक चल जाती है। सबसे पहले इसकी फॉर्मुलेशन की बात कर लेते हैं, तो इसकी बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है, जेल फॉर्म में ये आता है, आपकी स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है। आप लोग इसको फाउंडेशन के साथ मिक्स भी करके लगा सकते हो और फेस वॉश करने के बाद भी इसको डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो और बहुत जल्दी ये अब्सॉर्ब हो जाता है आपके फेस पर। बिल्कुल भी इसके अंदर वाइट इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है और एक मॉइस्चराइजर की तरह ये आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। इसको मैं काफ़ी मंथ से यूज़ कर रही हूँ और यूनिवर्सिटी जाने के लिए और कहीं भी मैं जाती हूँ तो इसको मैं लाजमी अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर, उसके बाद मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ। और ये देखें, इसका जो है लिड भी मुझसे टूट गया था, बहुत मैंने इसको यूज़ किया, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी ये परचेज थी और मुझे बहुत पसंद है और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ये ऑर्डर करवाऊंगी। स्किन टाइप की बात कर लेते हैं, तो ऑयली और ड्राई स्किन वाले दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं और सीज़न कोई भी आप लोग गर्मियां हो सर्दियां हो इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एज अ मॉइस्चराइजर ही काम करता है आपके फेस पे, ना ही ज़्यादा हैवी है और ना ही ज़्यादा लाइट है, नॉर्मल है, तो आप लोग किसी भी सीज़न में इसको यूज़ भी कर सकते हो। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप लोग मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हो। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।